उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में न्यू ईयर को लेकर पुलिस की चौकसी बढ़ाई गई है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने राजधानी के अंदर आने वाले मॉल्स, क्लब्स, होटल और बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन का सुरक्षा जायजा लिया। एसीपी विभूति खंड स्वतंत्र सिंह की मौजूदगी में डॉग स्क्वाड और बम डिटेक्शन स्क्वाड ने ताज होटल और रेनेसेंस होटल की चेकिंग कराई। पुलिस ने चेकिंग के साथ ही साथ होटल, मॉल्स और न्यू ईयर पार्टी के लिए कोविड-19 गाइडलाइंस का अनुपालन करने के भी निर्देश दिए हैं। बीडीडीएस एएस चेकिंग टीम के साथ ही साथ सघन सुरक्षा निरीक्षण भी किया। मॉल्स वगैरह के लिए जो स्पेशल चेकिंग चलाई जा रही है 25 के बाद, अभी भी न्यू ईयर की ईव के लिए क्या सर क्या क्या चेकिंग हो रही है, किस लिए ये प्रयोग चल रहा है? देखिए, जो विभिन्न घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार डिफरेंट टाइप का ऑफ थ्रेट्स हम लोगों को हैं, यहाँ पे मिलते रहते हैं, उसको देखते हुए, न्यू ईयर को देखते हुए जो पब्लिक जो है सड़कों पे है काफ़ी मात्रा में, हमें एक तो कोविड नियमों का पालन कराना पड़ रहा है, उसके साथ साथ हम सुरक्षात्मक दृष्टि से जो हम ये सारी चीज़ों का अभियान चलाते हुए कर रहे हैं, जो अनवरत रूप से 25 से चालू हुआ है और न्यू ईयर को के उपलक्ष्य में चालू रहेगा, उसी उपक्रम में आज हम लोग जो है ताज और रेनेसा की जो है चेकिंग किए हैं। इसमें बीडीडीएस टीम हमारी, हमारी डॉग स्क्वाड टीम, हमारी एएस चेकिंग टीम सारी एक साथ उपस्थित होकर यहाँ पर हम लोग इनकी बनाई हुई एसओपी को देख रहे हैं। उन एसओपी में जो कमियां हैं उनको बाकायदा इनको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि उसको ये सुधारें। सर, कोविड प्रोटोकॉल के लिए भी, क्योंकि सरकार की तरफ से जो आदेश आया कोविड प्रोटोकॉल के लिए, उसके लिए भी इनको बताया जा रहा है? बिल्कुल, इन लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि कोई भी चीज़ करें उसमें कोविड नियमों का ये पालन कराएं, कोविड प्रोटोकॉल जो आया है गवर्नमेंट का उसका ये लोग कठोरता पूर्वक पालन कराएं।